Hello friends, we were discussing the IUPAC nomenclature of organic compounds, and in the last videos, in the last three videos, we have discussed alkane, alkene and guaiane, means hydrocarbon. So today we are going to discuss our new topic, new organic compound. Those are called alkyl halides or हेलो अल्केन. दोनों बात एक ही है. अल्काइल का मतलब R, हैलाइड का मतलब X, बीच में बॉन्ड. हेलो का मतलब X, अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन वाली चेन. सो R X, ठीक है, वेयर X में भी F C L B R I, ठीक है. इनका जो सफिक्स होता है, सफिक्स इनका होता ही नहीं है एक्चुअली, इनका जो है प्रीफिक्स ही होता है, ठीक है. इनका आपको प्रीफिक्स ही यूज करेंगे आप, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में अभी आपको लिखवा दूं. प्रीफिक्स क्या होगा इनका, हेलो. हेलो मतलब फ्लोरो ब्रोमो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है, ये लगाना है. अच्छा, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर में आपका ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है, फिर डबल बॉन्ड आता है, फिर आर आता है, फिर आपका एक्स आता है, फिर एनओ टू आता है. ये है. तो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है. आप दोनों को भी पढ़े जितने आपके पास है प्रायोरिटी ऑर्डर, ऐसा क्यों करें, ठीक है. चलिए, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सपोज देयर इज CH3, CH2 and Br, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है. फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन फर्स्ट. ये हमने कार्बन चूज कर लिया चेन, ठीक है. दिस इज आवर साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट, हम इसको बोलते हैं, ठीक है. दिस इज आवर सब्स्टिट्यूएंट एंड इट इज ब्रोम. सो नंबरिंग विल बी फ्रॉम दिस कार्बन 1 and 2. सो वी हैव टू डिफाइन द सब्स्टिट्यूएंट विद नंबर 1 ब्रोमो, ठीक है. 1 ब्रोमो, 1 2 कार्बन ईथ suffix in 1 bromoethane, second CH3, CH2, CH2, Br, CH3. Find the longest chain of carbon, this one. Number the carbon chain 1, 2, 3, 4, ठीक है. So how would you define it, Br and CH3? इनको priority के according कैसे define करेंगे, इसकी प्रायोरिटी एक बार चेक कर लेते हैं. एक ठीक है, ये सारे प्रीफिक्स होते हैं, तो प्रीफिक्स की प्रायोरिटी होती तो सेम ही है. आर एक्स, इसको हम एक्स को बाद में रखेंगे प्रायोरिटी में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है. तो ये बी से शुरू होता है, ये एम से शुरू होता है, ठीक है. 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ स्पेशल है. क्या स्पेशल है आपको दिखाई देगा, ठीक है. फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, ठीक है. सब्स्टिट्यूएंट्स 1, 2, 3, 4, 5. यहां जो नंबर प्रायोरिटी देनी है, यहां डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए, ठीक है. तो ये क्या आएगा, ये सी से है वो एम से, तो 5 क्लोरो, अल्फाबेटिक ऑर्डर लगाओ, 5 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 2 ईन. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, CH3 CH CH CH
CH3 एफ बी आर सी एल, तीनों का प्रायोरिटी सेम है, ठीक है, तीनों ही हेलोजन हैं, तो नंबर की साइड करेंगे जहां से हेलोजन जल्दी मिले, 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसी भी साइड से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर और ज्यादा करना है तो थर्ड पे यहाँ एफ मिल रहा है, यहाँ थर्ड पे सी मिल रहा है, तो इधर से आप कर सकते हैं, क्योंकि बी को तो नंबर एक सेम मिल रहा है थर्ड, ठीक है। तो ये सी से स्टार्ट होता है, ये बी से स्टार्ट होता है, ये एफ से, तो बी पहले लिखा जाएगा 3-chloro-2-chloro-4-chloro-pentane। सो दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर यू मस्ट नो, इस टाइप के नोमेनक्लेचर आपको आने चाहिए। इनका जो यूज है, ये जो नोमेनक्लेचर मैं आपको करा रहा हूं, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 में हर चैप्टर में है, और ये एक पूरा चैप्टर का नाम ही है, अल्काइल हैलाइड, हेलो अरीन, हेलो अल्किन और हेलो अरीन, वहां पर एक चैप्टर है अल्काइल हैलाइड वाला। तो उसमें क्या है कि यहाँ तो केवल हम नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, वहाँ इनके फंक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी नेम रिएक्शन, इनकी रिएक्टिविटी, इनकी एच बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपको सब पढ़ने हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ ही पूरा चक्कर है, वहाँ नोमेनक्लेचर दोबारा से सिखाना ईजी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। वहाँ तो थोड़ा सा स्पेशल टेस्ट है, वहाँ थोड़े से स्पेशल केसेस हैं, तो जो कि आप अभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी से, और क्लास 12 में चैप्टर नंबर 10 पर आप आ जाइए, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में इसके नोमेनक्लेचर इतने मिलेंगे आपको कि आप आज से ही परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। आपको बस वहां पे एक ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर आइसो, नियो एंड डिग्री ऑफ कार्बन, ये तीन चीज आपको मेजर करनी है वहां पर। आइसो नियो आप जानते हो, डिग्री ऑफ कार्बन भी सिखा देंगे आपको, लेकिन नोमेनक्लेचर के बाद अभी नहीं, ठीक है। वैसे डिग्री एक बार मैंने किसी केस में आपको बताई भी, ठीक है। चलिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन हो कर लेते हैं, इसमें आप ट्रिपल बॉन्ड भी ऐड करो, डबल तो आ गया है, ठीक है। इतना नंबरिंग करने के लिए तो टेबल को मिलेगी नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो आप इसको कीजिए 4-chloro, ठीक है, 1 2 3 5 4-chloro पेंट, मुखिया कौन है आई, तो 3-ene, ठीक है, 4-ine, ये आ जाएगा उसका नाम। मतलब हमने सारे इंक्लूड कंसेप्ट इंक्लूड कर दिए, हाइड्रोकार्बन चेन सिंगल बॉन्ड वाली, डबल बॉन्ड वाली, ट्रिपल बॉन्ड वाली, एक अलग यही अब तक हमने पढ़ा है चार चीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलोजन एलोगेन, इसके बाद एल्कोहल स्टार्ट करते हैं, वो अच्छा है, इजी है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप एक बार खुद प्रैक्टिस करें वहां से, क्योंकि इसमें और ज्यादा कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इसको चेन जितनी मैंने हाइड्रोकार्बन की मेहनत की आपके साथ, जो आपको बताया गया है हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो हाइड्रोकार्बन वाले सारे जो यहाँ लगेंगे, बस यहाँ आपको केवल उनका प्रीफिक्स और सफिक्स आना चाहिए, वो एक वर्ड है। अब ये तो प्रीफिक्स वाले थे सारे, कौन हैलोजन, जितने भी हैलोजन है सब प्रीफिक्स में जाते हैं, एनओ टू आपका प्रीफिक्स हो जाता है, ठीक है, आपका एक चीज और प्रीफिक्स हो जाती है, ठीक है, वो सब प्रीफिक्स हो जाते हैं। प्रीफिक्स वाले का वो ज्यादा उन मेल का नहीं है, अभी तक हमने सेकेंडरी सफिक्स नहीं पढ़ा कि सर आपने जो रूल बताया था उसमें सेकेंडरी सफिक्स था, अब यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स आएगा, अब आएगा, आपको पता लगा देखो कैसे। ये रहा सपोज एल्कोहल में स्टार्ट कर रहा हूँ, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल में OH ग्रुप होता है, इसका सफिक्स जो है वो है कोल, OL, ठीक है, इसका प्रीफिक्स जो है वो है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है, ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
स्टार्ट करते हैं, CH3, CH2, CH, CH3 और यहां पर मैंने OH लगा दिया, ठीक है। तो ये लिख, ठीक है। चलिए उससे पहले डिग्री ऑफ कार्बन आपको मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि आप फिर और ज्यादा आपके लिए हो जाएगा डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है बेटा। आप एक चीज चेक कीजिएगा यहाँ CH4, इसको मैं ओपनली लिखूंगा CH4 या CH3 भी चलेगा अगर कहीं ग्रुप है तो, सॉरी, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने एक कंपाउंड लिखा जिसमें कि मैंने एक कार्बन इंट्रोड्यूस कर दिया है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, अगेन फिर से एक और कार्बन इंट्रोड्यूस कर दिया है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, अगेन फिर से एक और कार्बन इंट्रोड्यूस कर दिया है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, अगेन फिर से इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, ये हो, ठीक है। अब आप देखिए इसमें होना क्या, आप यहां इस तार में, ये जो मैं तार लगा रहा हूं इसको आप चेक कीजिएगा, ठीक है। यहां मैं कह रहा हूं कि इसकी कोई डिग्री नहीं है, अकेला है, अकेला है। यहां ये बॉन्ड बनना था, आप पता नहीं किसके साथ बनेगा, अभी कर देगा। यहां ये जो कार्बन है इस तार जिस पर मैं लगा रहा हूं, वैसे मुझको इस तार लगाना नहीं चाहिए क्योंकि स्टार जब भी हम इंडिकेट करते हैं दैट विल बी अ कायरल कार्बन, कायरल कार्बन विल बी अटैच्ड विद फोर डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, फोर डिफरेंट ग्रुप, फोर डिफरेंट स्पीशीज, उसके चारों ही बॉन्ड अलग अलग चीजों से सेटिस्फाई होते हैं चारों अलग, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये एक कार्बन से अटैच है, यहाँ दो कार्बन से अटैच है, यहाँ तीन कार्बन से अटैच है, यहाँ चार कार्बन से अटैच है, मीन्स इट विल हैव डिग्री 1, इट विल हैव डिग्री 2, इट विल हैव डिग्री 4, 3 एंड इट विल हैव डिग्री 4, डन, ठीक है ना। तो इसको बोलोगे आप प्राइमरी कार्बन, ठीक है, इसको बोलोगे आप सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, इसको बोलोगे आप टर्शियरी कार्बन, इसको बोलोगे आप क्वार्टनरी कार्बन। तो ये आपको आना चाहिए डिग्री ऑफ कार्बन, ये मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ही जितने भी कंपाउंड पड़ेंगे हम एक बार चेक कर लेंगे क्या दिक्कत है। ये जो कार्बन है वो इस सिस्टम के साथ जुड़े 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन ही था एक कार्बन, चलिए वो तो बात होगी, ये बहुत काम आने वाली चीज है आपको, ठीक है। चलिए नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग 1, 2, 3 एंड 4, क्यों, क्योंकि जी सब्सिक्वेंट इधर से पास कर होता है, जैसे करते तो नंबर 3 आता, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ अब ये नहीं करेंगे हर बार कि टू पे इसे को डिफाइन करेंगे, ये अब मुखिया है, ये फंक्शनल ग्रुप है, पढ़ रहे हैं ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में इनकी प्रायोरिटी अल्काइल चेन से ज्यादा है। अल्काइल चेन से कम किस किस की है, एक्स की है, ठीक है, आपकी NO2 की है, ठीक है, और अल्कोक्सी ग्रुप होता है उसकी है, वो तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप होता है। तो ये इस हाइड्रोकार्बन चेन से ज्यादा तुरंत एकदम ऊपर डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर फिर आपका अल्कोहल है, फिर आपका डीहाइड्रेटेड है, फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये जो है ये मुखिया है करता, इसका नाम आएगा बाद में, मीन्स इसका होगा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि आप ढूंढिए कोई साइड चेन है, ये साइड चेन नहीं है, ये सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है, साइड चेन नहीं है, छोड़ दो, वर्ड रूट का जाओ ब्यूट, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स अल्केन है तो ब्यूटेन, ई छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि अभी आगे को लिखना ब्यूटेन, और दूसरे नंबर पर क्या है ओल, तो ये आपका वर्ड रूट था, ये आपका प्राइमरी सफिक्स था, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स हो गया, और यहां आपका क्या आना था, यहां आपका आना था नंबर, नंबर आना था और उसका नेम आना था किसका, सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है, यहां सब्स्टिट्यूएंट का नाम आना था। अब ये तो है ही नहीं, तो ये वैकेंट है, नहीं नहीं लिखा हमने, तो ब्यूट एन टू ओल, सिंपल हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ही हम चलते चले जाओ, ठीक है जी। तो ये आ गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक हो गया, ठीक है।
तो ये अब साइड चेन है यहाँ पर, साइड चेन डिफाइन करें तो टू पर क्या है मिथाइल कर दिया हमने डिफाइन, टू मिथाइल और तो कुछ नहीं है, पेंट नहीं हेक्स, टू मिथाइल हेक्स। अब ये एन नहीं है, इन है, इन कौन से नंबर पर फोर, हेक्स फोर इन कोमा थ्री फोर, ये हो गया ठीक है। अब ये ब्यूटेन टू को लिखा था ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल टू, लेकिन खाली ब्यूटेनॉल नहीं ले सकते, उसका मतलब हो जाएगा प्राइम कार्बन फर्स्ट कार्बन ठीक है। तो ये दो नाम हो गए इसके। चलिए आप इसका स्क्रीन शॉट लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं अल्कोहल के अंदर। चलिए तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, CH3 CH 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 OH ठीक है, ये है सही है, सही है क्या नहीं है कर लो फिर सही। अब ठीक है ये फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, फाइंड द सब्सिक्वेंट ठीक है, वैसे हो तो गया सेम सही नहीं सुन चेंज बता देंगे। तो नंबरिंग नंबरिंग तो मुखिया की तरफ से देनी पड़ेगी, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका सब्सिक्वेंट है, तो सब्सिक्वेंट फंक्शनल ग्रुप की साइड से लेंगे, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है ठीक है। चलिए तो फाइव मिथाइल ठीक है, फाइव मिथाइल हेक्स थ्री ई टू फोर, एक ही जैसा क्वेश्चन होगा। वैसे मैं बता रहा हूँ कि एक फॉर्म ऐसे आएगी अभी आगे मैं पढ़ने को मिलेगा, इसके साथ लगा लो आप, और अगर कहीं लिखा हो तो लिख लेना इसको। एग्जांपल में ऐसे ही कीटो इनोल फॉर्म होती है ठीक है, इसको समझिएगा। ये आपको टोटो मैनेजमेंट में पढ़ाऊंगा, वहां मिलेगा, और क्यों मिलेगा क्यों मैंने पढ़ाया है फॉर्म समझाने के लिए, समझिए कि इन और ओल, इन और ओल, इन और ओल, आ रहा समझ, इन ओल फॉर्म है ये अपने आप में चेंज कर लेते हैं अगली, ये ना इक्विलिब्रियम बनेगा इस कंपाउंड के साथ, इस कंपाउंड के साथ ये इसमें रहेगा इक्विलिब्रियम में। तो ये अल्कोहल है, ये कीटोन है ठीक है, तो ये कीटो इनोल फॉर्म है, आपस में एक्सचेंज करते हैं, इसी को टोटोमेरेज भी बोलते हैं ठीक है। चलिए तो ये हो गया अल्कोहल, अल्कोहल के दो क्वेश्चन और बनाते हैं। अगर मैं कहूं वैसे तो हम जनरल नेम करेंगे नहीं, अगर मैं कहूँ तो इसका मैं एक चेन बना सकता हूँ ठीक है, वन टू थ्री कर सकता हूँ, और इसका नाम मैं लिखूंगा टू मिथाइल प्रो टू ओल, प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल में लिखूंगा, लेकिन इसको और ज़्यादा डिफाइन अगर मैं कर लूँ तो इसका जनरल नेम अगर मैं लिखना चाहूँ, वैसे तो हम IUPAC पढ़ा रहे हैं लेकिन जनरल नेम भी हो जाएगा इसका। ये जो है ना पूरा, इसमें एक कार्बन है ये वाला, ये कौन सा है, वन टू थ्री, तीन कार्बन से अटैच है, इसलिए मैंने लिखा टर्शियरी
और इसमें मैं अगर सारे कार्बन को चेक कर लूँ कितने कार्बन है, चार ब्यूटेन है, चार कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, लेकिन एक एक बॉन्ड इसका OH से अटैच है, तो यानी कि ब्यूटेन से का एक बॉन्ड बॉन्ड खाली करो ब्यूटाइल, और टर्शियरी है पहले से ही, तो टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ट्वेल्थ में यही वाले नाम पढ़ने को मिलेंगे जनरली, क्या करेगा ना वो कि आपको कन्फ्यूज करता है, आयु बेसी आप सीख गए हो, कह लेगा अच्छा आयु बेसी सीख ली ठीक है, तो यहाँ तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ नेम देने की कोशिश करता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, हमको पता है, इसलिए मैंने डिग्री भी आपको सिखाई है, ठीक है। एल्कोहल के साथ इस बार हम मिक्स करते हैं आपका एक हेलोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड भी मिक्स करते हैं, ट्रिपल भी करते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर एल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो नंबर इन साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को लिख पहले गए, और ये क्लोरो है इसको तो पहले सबसे पहले ही फाइंड करेंगे, तो सब 5 क्लोरो, ठीक है 5 क्लोरो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ओवर करेंगे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका ये छोड़ ले फटाफट, ठीक है। देखो अगर कई बार मिलेगा, ठीक है, कई बार आपको अगर क्या मिलेगा, ये मिला यदि, अब क्या होगा तो दो आगे दिक्कत होगी, दिक्कत कुछ नहीं है, डिफाइन करना आना चाहिए बस, वो जो रूल है आप इधर से करो या इधर से करो, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। देखो हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसलिए मैं आपको सभी टाइप के एग्जाम्पल करा देना, ठीक है। तो यहाँ पर डिफाइन हमने करना है, ठीक है, साइड चेन के लिए हेक्स पे आए और एम पे आए, हेक्सेन 2,5-डाइकोल, जैसे प्रीफिक्स को दो बार करके डाई लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को दो बार करके डाई लिख सकते हैं, ऐसे सेकेंडरी सफिक्स को भी दो बार करके डाई लिख सकते हैं, या प्राइमरी सफिक्स दोनों को भी हम डाई करके लिख सकते हैं, जब डाई इन आया था डाई आइन आया था, ठीक है, अब डाई होल आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा एक काम हो सकता है, एक ये जो कंपाउंड है इसके दो नाम हो सकते हैं, देखिए क्या है, नहीं इसमें तो फिर इससे ज्यादा हायर प्रायोरिटी होती है, चलिए इतना बहुत है अल्कोहल के लिए, अल्कोहल आज खत्म हो गया, ठीक है, अल्कोहल हमने खत्म कर लिया, ठीक है, अल्कोहल हमने खत्म कर लिया है, एल्डिहाइड और कीटोन जो है देखते हैं, या आज इतना ही रहने देते हैं, अल्कोहल और दो चीजें हमारी होगी अल्कोहल अलाइन, तो कल हम कीटोन और एल्डिहाइड दोनों एक साथ करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, और उसके बाद हम एक दिन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड।